और अब अगली खबर में बात करते हैं समस्तीपुर की, जहां क्लास में सीट को लेकर हुए झगड़े के बाद 3 छात्रों ने एक स्टूडेंट का गला काट दिया। 9वीं के छात्र को उसी के क्लास के 3 लड़के पहले स्कूल के पीछे मकई के खेत में ले गए, इसके बाद मारपीट की और चाकू से गला रेत दिया। छात्र गले पर हाथ रखकर भागता हुआ प्रिंसिपल के पास पहुंचा, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। घटना जिले के अंगारघाट थाना क्षेत्र के चैता गांव स्थित हाई स्कूल की है। छात्र की पहचान चैता गांव के ही विश्वजीत कुमार के रूप में की गई है। वह गांव के सुनील पांडे का पुत्र बताया गया है। छात्र को परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। उसे 16 टांके लगे हैं और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। विश्वजीत रोजाना की तरह सोमवार को भी स्कूल गया था। उसके ही 3 छात्र उसे स्कूल के पीछे मकई के खेत में ले गए। वहां तीनों ने मिलकर विश्वजीत के साथ पहले मारपीट की, बाद में पटक कर चाकू से उसका गला रेत डाला। वह वहां से किसी तरह भागता हुआ स्कूल के हेडमास्टर के चैम्बर में पहुंचा। खून से लथपथ विश्वजीत को देख हेडमास्टर ने तत्काल उसके परिवार के लोगों को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर उसकी मां रिंकू देवी पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसे 16 टांके लगे हैं। विश्वजीत की मां रिंकू देवी ने बताया कि 15 दिन पहले भी उसके बेटे के साथ मारपीट की गई थी। गांव के ही छात्रों ने उसका बैग और किताबों को फाड़ दिया था। इसे बच्चों का सामान्य झगड़ा समझकर उन्होंने इसकी कोई शिकायत नहीं की। उधर जख्मी छात्र ने स्कूल के ही 3 छात्रों का नाम लिया है। घटना का कारण क्लास रूम में सीट पर बैठने को लेकर विवाद बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। चैता हाई स्कूल के छात्र का गला रेतने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हाई स्कूल के पीछे मकई के खेत से खून लगी एक उजले रंग की शर्ट के अलावा एक जोड़ी लाल रंग की हवाई चप्पल बरामद की है।